दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी से। चलिए आज बात करते हैं कुछ तीन या चार ऐसी दवाइयां जो आपके ज्वाइंट पेन के काम आएगी, क्योंकि अभी ये मौसम ठंड का है और ये चार दवाइयां आप नोट कीजिए जो बहुत कारगर हैं और आपके ज्वाइंट पेन में आपको सहायता देंगी। इसे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिक पेन के अकॉर्डिंग ना देखें, ये केवल कॉमन दवाइयां हैं, सामान्य दवाइयां हैं। यदि आपकी बीमारी कुछ बड़ी हुई है या आपको बड़ी ज्यादा समस्या है तो आप अपने संबंधित होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर सलाह लें, या हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस के लिए जो वीडियो हम अगले अगली बार जब बनाएंगे कभी, तो आगे जाके हम उसको डिटेल में समझाएंगे। अभी मैं केवल बता रहा हूँ आपको सामान्य दवाइयां जो आपको अपने पास रखनी है अपने किसी भी तरह के ज्वाइंट पेन के लिए। पहली दवाई रस्टॉक्स 200, चार चार गोली सुबह शाम किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन होने पर, यानी आप एक्सर्सन के बाद आपको ज्वाइंट पेन हो रहा है या ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ रही है, ज्वाइंट में स्वेलिंग आ रही है, ज्वाइंट में खिंचाव रहता है, उसके लिए आप ये दवाई ले सकते हैं। सुबह शाम ले सकते हैं या ज्यादा तकलीफ होने में दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी दवाई ब्रायनिया 200, ब्रायनिया 200 भी ज्वाइंट पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत कारगर मेडिसिन है। चार चार गोली सुबह शाम या ज्यादा दर्द होने पर दिन में 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरी दवाई है मैग्नीशियम फॉस्फेट 200, मैग्नीशियम फॉस्फेट 200 भी ज्वाइंट पेन के लिए, मरोड़ और ऐंठन वाला जो दर्द होता है उसके लिए आपके काम आती है। ये दवाई भी आप अपने घर पे रख सकते हैं, बहुत कारगर दवाई है। चौथी दवाई जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो है कोलोसिंथ 200। कोलोसिंथ 200 भी ऐंठन या मरोड़ वाला दर्द जब होता है या पेट में दर्द आपके आता है या सियाटिक पेन आता है, जो कि मैंने सियाटिका वाले वीडियो में आपको शेयर किया है इस दवाई के बारे में, मैकफॉस के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो प्लीज उस वीडियो में भी जरूर जाए, सियाटिक पेन वाला वीडियो देख लें आपको, तो आपको समझ में आए कि कोलोसिंथ 200 का यूज कैसे किया जा रहा है। तो दर्द के लिए तीन या चार दवाइयां जो मैंने आपको बताई, पहली दवाई रस्टॉक्स 200, दूसरी दवाई ब्राइनिया 200, तीसरी दवाई मैकफॉस 200 और चौथी दवाई कोलोसिन 200। तो ये चारों दवाइयों को अपने पास जरूर रखें, ये दवाइयां आपके बहुत काम की हैं। आपको किसी भी तरह का दर्द हो, मरोड़ हो, ऐंठन हो, खिंचाव हो, पैर में स्प्रेन आ गई हो, ये दवाइयां आपको काम आएगी। ये सामान्य दवाइयां हैं, बाकी आप किसी भी तरह की बड़ी बीमारी के लिए या कोई भी ज्वाइंट पेन से संबंधित किसी भी तरह की बीमारियां होती तो आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से डिस्कस करें, वो आपकी पूरी डिटेल केस टेकिंग के बाद आपको मेडिसिन संबंधित बीमारी के हिसाब से प्रिस्क्राइब करेंगे। ये दवाइयां आपकी सामान्य जानकारी के लिए है, सामान्यतः इन दवाइयों को अपने घरों पर रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इसीलिए छोटे बनाए जा रहे हैं ताकि आप इसे देख पाए, इसे समझ पाए, बहुत लंबे और लेंथी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक शेयर कर सकूँ ताकि आपको ये पता चले कि हम कौन कौन सी बीमारियों के लिए मेडिसिन अपने घर में ये रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैंने सर्दी जुकाम के लिए कॉमन मेडिसिन के लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी ध्यान से देखें, उसमें भी जो दवाइयां आपको डिस्क्राइब की हुई है उसको रखें। यदि ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है बुजुर्गों में या बुजुर्गों में भी, तो एक सिरप का नाम नोट करें, सिरप है रूम एड सिरप, एक एक ढक्कन सुबह शाम 10 SML आप यूज करें खाली पेट में, ये आपके बहुत काम की है। इस दवाई को हमेशा साथ रखें। और कैल्शियम के लिए आप होम्यो कैल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, एक गोली सुबह एक गोली शाम। तो ये सभी दवाइयां जो मैंने आपको यहाँ बताई है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करती हैं। जरूरी है ऊपर के लिए चार दवाइयां मैंने बताई, रस्टॉक्स 200, ब्रायनिया 200, मैकफॉस 200 और कोलोसिन 200, ये चार दवाइयां हैं जो मैंने आपको बताई है, इसे अपने पास रखें और ये दवाइयां आपके लिए बहुत कारगर है, आप इन्हें डेली यूज कर सकते हैं। दवाइयों के बाकी डोजेस के लिए आप अपने संबंधित डॉक्टर से, अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और नीचे सब्सक्राइब बटन है उसमें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि इसका नया नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।